अगले 60 दिन में नए चीते मध्य प्रदेश आएंगे, तैयारी पूरी है। गांधी सागर में चीता प्रोजेक्ट भी एक्टिव हो गया है, लेकिन जितनी तेजी से काम हो रहा है उतनी तेजी से विरोध के अंगारे भी धधक रहे हैं। गांधी सागर के रावलकुंडी गांव के लोग सड़कों पर हैं, हंगामा हो रहा है। हंगामा 4 सितंबर को भी हुआ था, तब बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा जब गांव से गुजरी थी, खूब पत्थर चले थे, अब फिर हंगामा हो रहा है। लेकिन क्यों? चीता प्रोजेक्ट के नाम पर भारतीय जनता पार्टी की दोगली नीति है, उसके अंतर्गत वो जो है गोहत्या करवाना चाहती है, इस बात का दुख है। वहाँ लगभग 22,000 गाय हैं, उनके जीवन पर आसन्न संकट पैदा हो गया, जो सिर्फ गोचर के लिए स्पेशल थे, वहाँ सिर्फ गोचराई के लिए था, वो कंपाउंडमेंट भी हमसे छीन लिए। गंगा सागर में चीतों के लिए नए घर तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि कुनो नेशनल पार्क में 20 चीतों को ही रखने की क्षमता है। मौजूदा वक्त में यहाँ 14 वयस्क और एक मादा शावक मौजूद है। भारतीय दल भी साउथ अफ्रीका जा रहा है उच्च स्तरीय, वहाँ पर और चीतों के आने की कब उसकी डेट्स वगैरह शिफ्ट की जाएंगी। और बाकी गांधी सागर का क्षेत्र है, उसमें भी लगभग हमारी तैयारियाँ पूर्ण है, नवंबर के लास्ट तक हमारी तैयारियाँ पूरी हो जाएंगी, और उसके बाद किस प्रकार से बाहर के चीतों को हम लाने के टाइम टेबल फिक्स होगा उसके हिसाब से वहाँ भी लाए जाएंगे। ये सतत प्रक्रिया है, चलती रहेगी, ऐसा नहीं है कि लास्ट है, ये तो पहला कदम है। चीतों की मौत से कुनो नेशनल पार्क साल भर बदनाम रहा। एक साल में कुनो ने क्या खोया क्या पाया, कहां चूक हुई, कैसे चीते मरे और आगे कैसे बचेंगे, नया प्रोजेक्ट कैसे कामयाब होगा? हमारे सामने जो बड़ी समस्या रहेगी उसमें नंबर एक समस्या रहेगी चीते से, चीते की इनफाइटिंग की, जिसके लिए फॉरेस्ट ऑफिसर्स को तैयार रहना चाहिए। चीते की फाइटिंग पैंथर से, वो एक समस्या रहेगी, और तीसरी पोचिंग की एक समस्या रहेगी। ये तीनों समस्याओं से यदि निराकरण कर दिया जाता है तो ये एक बहुत ही सफल प्रोजेक्ट होगा। चैलेंज बड़े हैं नए चीतों की राह में। उधर कुनो नेशनल पार्क में जश्न है, जश्न एक साल की कामयाबी का, जिसमें चीता मित्रों और पार्क के कर्मचारियों को सम्मानित किया गया।